All right, hi everyone, good evening. Meri awaaz aa rahi hai, can you guys see the screen? Yes, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. हाँ, sir, कह रहे हो YouTube recordings में ads आने लग गए हैं, ऐसा है क्या? मैंने ऐसा monetization वगैरह का तो कुछ डाला नहीं है उसमें, but YouTube वसूलेगा तो सही कुछ ना कुछ, इतना स्टोरेज दे रहा है तो कम से कम आई होप स्किप करने वाले ऐड आते होंगे, तो स्टार्टिंग में आता है नॉन स्किपेबल या स्किप करने के लायक होता है, स्टार्टिंग में स्किपेबल ऐड्स ही आते हैं, बीच में नहीं आते। अच्छा अच्छा ऑलराइट चलो ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था। यस सर। यस सर। क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने? हमने डेनियल सेल के बारे में पूरा पढ़ लिया था और आपने हमें हमसे कुछ एनोड्स और कैथोड्स पे जो ऑक्सीडेशन और रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं मेटल्स के और कुछ हाफ सेल्स जो अलग अलग थे उस सबका रिएक्शंस लिखवाया था। राइट, सो वी अंडरस्टूड द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ गैल्वेनिक सेल टेकिंग एग्जांपल ऑफ द डैनियल सेल एंड देन उसमें कुछ वेराइटीज मैंने आपको बताई थी दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स वुड बी यूज्ड। चार टाइप के वेराइटी बताई थी मैंने आपको, वो ध्यान रखना है आपको चारों टाइप। एक था मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, एक था मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड, एक था आपका सर गैस आयन इलेक्ट्रोड, गैस आयन, हाँ गैस आयन इलेक्ट्रोड एंड रेडॉक्स इलेक्ट्रोड, राइट। उनके जो मैंने आपको कैथोड या एनोड जैसा भी वो बिहेव करेंगे उनके रिएक्शन लिखने बताए थे, वो भी आपको याद रहने चाहिए। नाउ इसी में हम थोड़ा सा और आगे का पढ़ेंगे, विच इज एज यू कैन सी द हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। सो एवरी टाइम आई वुड नीड टू डिस्कस अ सेल विद यू, I would not keep on drawing कि ये देखो ये half cell metal metal soluble salt है और दूसरा half cell जो है वो gas and electrode है और ये उनका diagram है और उनमें ये species present है, like that will be too cumbersome an exercise। तो एक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन डिजाइन करा जाता है ताकि easily communicate किया जा सके that what is the cell that we are talking about and what are its characteristic features। So जैसे last class में जो हम लोगों ने Daniell cell पढ़ा था, उस Daniell cell के features, उस Daniell cell को हम लोग कैसे represent करते हैं वो आप notice करना। हम लोग दो halves design करते हैं with a double vertical line separating them। एनोड लेफ्ट हाफ में लिखते हैं, कैथोड राइट हाफ में लिखा जाएगा एंड ये डबल वर्टिकल लाइन जो है वो सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करेगी। तो आफ्टर राइटिंग द सॉल्ट ब्रिज, लेट से मैं एनोड हाफ रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो एनोड हाफ में ऑल आई नीड टू डू इज फोकस ऑन द रेडॉक्स स्पीशीज, इंपॉर्टेंट रेडॉक्स स्पीशीज। तो यहां पर एक तो जिंक है और दूसरा जिंक 2+ है, ठीक है। यहां पर हो सकता है that sometimes I might end up writing ZnSO4, ठीक है, जो salt है उसका soluble salt वो पूरा पूरा लिख दूँ मैं, but because that sulfate ion doesn't do anything in the solution, तो ऐसा compulsion नहीं है कि उसको यहाँ पे लिखा जाए। You can simply write the metal and the metal का ion, right? जो ये different phases हैं, उनको vertical line से separate किया जाए। So within a half cell, if you have say solid and aqueous phase, so you draw a vertical line separating them. Then
अगर सेम फेज में स्पीशीज होंगी, इस एग्जांपल में तो नहीं है, बट लेट्स से इफ देयर आर टू स्पीशीज विच आर ऑफ अ सेम फेज, दोनों से डिसॉल्व स्पीशीज है, तो उनको हम लोग कॉमा से सेपरेट आउट कर लेते हैं। फिर यहां पे नोटिस करना, ये जो रिटन ऑर्डर है लेफ्ट टू राइट, लाइक यहां पर मैंने जिंक पहले लिखा है और फिर यहां पर जिंक 2+ लिखा है, ठीक है, राइट, यहां पर पहले जिंक लिखा है, यहां पर फिर जिंक 2+ लिखा है, वेरेज यहां पर पहले कॉपर 2+ लिखा है फिर कॉपर लिखा है, तो दैट रिटन ऑर्डर लेफ्ट टू राइट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एज वेल। तो एनोड में जिंक से जिंक 2+ बन रहा है एंड कैथोड में कॉपर 2+ से कॉपर बन रहा है, करेक्ट? यस सर। तो बेस्ड अपॉन दैट ये आपका रिटन रिप्रेजेंटेशन रहता है लेफ्ट टू राइट। अब अगर किसी सेल में इनर्ट इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स को हम लोग एनोड को एक्सट्रीम लेफ्ट में लिख देंगे, कैथोड पर एक्सट्रीम राइट में लिख देंगे, एंड फाइनर डिटेल्स लाइक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द डिसॉल्व्ड स्पीशीज, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस दैट आर प्रेजेंट, वो स्पीशीज के साइड में ब्रैकेट में हम लोग मेंशन कर देते हैं। अभी ये इतना काम नहीं आएगा स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, पार्शियल प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन, बट दिस विल बिकम इम्पॉर्टेंट से नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स, ठीक है? तो ये आप इतना नोट करो, हाउ वी गो अबाउट रिप्रेजेंटिंग अ सेल। यहां तक के पॉइंट्स लिख लिया सबने, ये ऊपर वाले? नो सर, नो सर, नो सर, प्लीज वेट, फटाफट फटाफट लिखो, पैरेलल में लिखा करो ताकि थोड़ा टाइम सेव हो। डन सर। नहीं नहीं, यू डोंट नीड टू मेंशन द आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट्स, दे आर स्पेक्टेटर ओनली, दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रेडॉक्स स्पीशीज, रेडॉक्स रिएक्शन, दे आर नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल, तो उनको लिखने की जरूरत नहीं है। लिखा सर, 20 seconds प्लीज। यस सर, 20। इतना तो लिख ही लिया होगा। यस सर। सर ये लास्ट पॉइंट है, इसके नीचे भी एक और है। नहीं, लास्ट। ओके सर। सर टॉपिक खत्म हो जाने के बाद में तुम उसके नीचे लाइन खींचते हो क्या? नो सर। तो फिर फर्क क्या पड़ा, लास्ट था कि नहीं था? मन की शांति के लिए या तुम्हें बहुत जोर से बाथरूम आ रहा है कि फटाफट बाथरूम करके आता हूँ, अब तक कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे सर? तुमने वो लास्ट पॉइंट ऐसे से पूछा था कि हो गया ना लिखते ना, तो और भी नीचे रहेगा तो अच्छा। लिख लिया ये इतना? नो सर, वेट। तो ये जो तीन चीजें हमने पढ़ी हैं अभी, जस्ट लाइक सेल रिप्रेजेंटेशन अभी पढ़ा है, बट लास्ट क्लास में जो हमने सेल का डायग्राम या सेल के जो रिएक्शंस होते हैं, इन तीनों के बीच में इंटर कन्वर्जन काफी स्मूथ, काफी फास्ट होना चाहिए, बिकॉज व्हेन यू विल रीड क्वेश्चंस
Sometimes you might get the diagram of a cell. Sometimes you might get the representation. Sometimes you might not get anything but just the cell reaction. तो इन तीनों चीज से independently आपको decipher करना आना चाहिए that what exactly is the cell. क्या क्या half cell होंगे, what will be the construction of the full cell, and what will be the final details associated with that cell. So I will make you practice some of these questions, जिसमें either I will give you the representation and then ask you to identify the half cell and draw the write the cell reactions, or it may happen that I'll give you the cell reactions and then ask you to represent it or tell me about how the half cells are, which type of half cells there are. ठीक है? Yes sir. शुरू करें? Yes sir. All right. तो ये आपके सामने पहले डायग्राम है. अब इस डायग्राम के बेसिस पे आप मुझे सेल के रिएक्शंस एंड उसका शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन दोनों लिख के बताओ. अभी यश प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें ये सब वैरायटीज कवर हो जाएगी. नहीं ऐसा जरूरी नहीं है गौरव, यू नीड नॉट मेंशन द स्पेक्टेटर आयंस. कर सकते हो बट ऐसा कंपल्शन नहीं है. ऑल राइट लिखा सबने? यस सर. ठीक है तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है. एनोड पर दिस इज द रिएक्शन. यस सर. कॉपर इज गिविंग कॉपर 2+ ion+2 इलेक्ट्रॉन्स. एंड कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होगा, तो दैट इज Cl2+2 इलेक्ट्रॉन गिविंग 2Cl- aqueous. यस सर. यस सर. कंबाइन करोगे आपको फुल सेल का रिएक्शन मिल जाएगा. यस सर. एंड अब इसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, तो सबसे पहले आपने डबल वर्टिकल लाइन बना के सॉल्ट बेस बना लिया. देन एनोड पर लेफ्ट हैंड साइड पर Cu से Cu2+ जा रहा है, Cu सॉलिड है, Cu2+ एक्वस है, तो बीच में एक वर्टिकल लाइन डाल दिया. कैथोड वाली साइड में यू हैव क्लोरीन गैस एंड Cl- aqueous आयंस एंड द रिएक्शन इज Cl2 गैस गोइंग टू Cl- आयंस. Cl2 गैस पहले लिखा, फिर उसके बाद वर्टिकल लाइन लिखकर Cl- आयन लिखा एक्वस, एंड देन जो इनर्ट इलेक्ट्रोड है वो एक्सट्रीम राइट में वर्टिकल लाइन लगा के आपने लिख दी. ये रिप्रेजेंटेशन आ पाया था आप लोगों का? यस सर. यस सर. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स ये जो लेफ्ट वाला हाफ सेल है, दिस इज मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट या मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड, एंड राइट वाला इज द गैस आयन इलेक्ट्रोड, है ना? यस सर. ठीक है, लिखा इतना सबने, आगे बढ़े. सर वो एक बार Cl2 और Cl- का जो ऑर्डर होगा कौन पहले आएगा वो एक बार समझा सकते हो? कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन
यस सर. सीएल टू से सीएल माइनस जा रहा है. अच्छा ओके अंडरस्टूड. हाँ उसके पहले वाले में CO2 प्लस से CO जा रहा था. हाँ सर वो डायग्राम में प्लैटिनम कहाँ लिखा था? ये है ना इनर्ट गैस आयन इलेक्ट्रोड में. इलेक्ट्रोड तो इनर्ट ही रहता है. यस सर सर भाई मैं कंफर्म कर. ठीक है नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. नहीं लिखा अभी तक. चलो लिखो. आंसर हाँ लिख लिया. अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे करवाऊंगा जिसमें आई विल गिव यू द रिप्रेजेंटेशन. आप रिप्रेजेंटेशन देखकर मुझे बताओगे कि कौन सा टाइप का हाफ सेल है एंड देन उसके रिएक्शंस लिखोगे. स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. दिख रहा है ना बॉटम में? ठीक शुरू हो जाओ.
ऑल राइट, क्या आ रहा है इस वाले का? एनोड इज मेटल मेटल आयन एंड कैथोड इज गैस आयन. यस सर. एंड Fe से Fe2 प्लस जा रहा है एनोड पर एंड कैथोड पर Cl2 से Cl- जा रहा है ओवरऑल रिएक्शन. यस सर. नेक्स्ट ट्राई करो. All right, so anode is redox electrode and cathode is gas ion. Yes, sir. Reactions clear? Yes, sir. ठीक है. अगला try करो. थोड़ा hint भी डाला मैंने help के लिए. क्या आ रहा है लेफ्ट वाला? एनोड इज व्हाट? मेटल मेटल इनसॉल्युबल. मेटल मेटल इनसॉल्युबल. इनसॉल्युबल का हिंट कैसे मिला? सर सॉलिड ही रह गया. सॉलिड विल बी दैट हिंट. मतलब ऑफ कोर्स यू विल नॉट नो ईच एंड एवरी एग्जांपल ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट. तो यहाँ पर आपके लिए हिंट रहेगा दैट ब्रैकेट में एस लिखा होगा आफ्टर दैट सॉल्ट मींस इट्स एन इनसॉल्युबल सॉल्ट. और अगर किसी सॉल्ट के आगे एक्वस लिखा होगा जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लेट्स से इंस्टेड ऑफ सी यू टू प्लस इफ आई हैड रिटन सी यू एस ओ फोर राइट ऑल्दो यू नो दैट कॉपर सल्फेट इज सॉल्युबल सॉल्ट बट द हिंट वुड बी दैट इसके ब्रैकेट में एक्वस लिखा होगा हाईलाइटिंग इट इज एन इट इज अ सॉल्युबल सॉल्ट. Yes, sir. Yes, sir. अब आप इनके एनोड पर और कैथोड के रिएक्शन लिख सकते हो, right? Yes, sir. Don't write the metal metal iron वाला रिएक्शन for metal metal insoluble salt. Like यहाँ पर Ag से Ag zero oxidation state से plus one oxidation state जाएगा, but this has to be the reaction. ठीक है. इफ समवन हैज रिटन दिस देन ये मैंने लास्ट भी बताया था कि दैट विल बी इनकरेक्ट. एजी से एजी प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दिस वुड बी इनकरेक्ट. ठीक है. यस सर.
ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ऑलराइट, देन नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करो। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें सॉल्ट ब्रिज नहीं है बिकॉज द इलेक्ट्रोलाइट इज कॉमन। सोचो तो लास्ट ऑफ पीटी है ना? हाँ, आया इसका? यस सर। यस सर। जिस तरीके से दिख रहा है ये? यस। यस सर। सो मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इट्स एनायन व्हिच इज Br- एंड यू हैव अ गैस एन इलेक्ट्रोड। इस केस में देयर इज नो सॉल्ट ब्रिज एज सच बिकॉज़ द इलेक्ट्रोलाइट इज समथिंग दैट इज कॉमन फॉर बोथ द साइड्स। ठीक है? यस सर। लिख लिया सबने? यस सर, डन। यस सर। वेट सर। नो सर, वेट प्लीज। ठीक है, इसके नीचे जब तक बाकी लोग ये वाला एग्जांपल ट्राई कर। सर सर, कैथोड पे HBr के साथ रिएक्शन नहीं होगा? 2HBr प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। हाँ, मतलब लिख सकते हो, रखने पड़ेगा ना। हाँ, मतलब यहाँ पर दैट Br- इज अ स्पेक्टेटर स्पीशीज ना इन कैथोड। यस सर। तो इसके लिए मैंने वहां पे नहीं लिखा, लिखना है तो लिख दो।
अगला वाला भी आया यस यस सर रिएक्शन तो समझाइए ना क्या समझाओ ई वाले का रिएक्शन ई वाले में हाँ सर लाइक दोनों तरफ गैस एंड इलेक्ट्रोड से तो समझ में आ रहा है यस सर लेफ्ट हैंड साइड यानी कि एनोड पर इट इज एच टू गैस एंड एच प्लस आयन यस सर और कैथोड साइड पर इट इज क्लोरीन गैस एंड क्लोराइड आयन यस सर एनोड पर ऑक्सीडेशन लिख लो एच टू गिव्स टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन यस सर ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो से प्लस वन जा रहा है ना सर इसमें HCl कॉमन सॉल्यूशन था क्या हाँ ओके सर थैंक यू सर समझ गया एंड देन कैथोड पर यू हैव क्लोरीन अंडरगोइंग रिडक्शन यस सर सर हम एनोड पे मेटल मेटल इनसॉल्युबल रिएक्शन कर सकते हैं क्या मतलब सर हाइड्रोजन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगा फिर वो एक इलेक्ट्रॉन दे देगा और हाइड्रोजन का रिएक्शन किसके साथ होगा सर सीएल माइनस सीएल माइनस के साथ में क्या रिएक्शन हो रहा है HCl प्लस एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है HCl प्लस इलेक्ट्रॉन मतलब कैसे सोच पा रहे हो मतलब मेरे को तो वही वियर्ड लग रहा है लाइक यू आर सेइंग H2 गैस प्लस ऐसा नहीं होगा नहीं होगा गिविंग HCl ऐसा नहीं सर वो मैंने एच टू देगा नहीं था सर ओवरऑल रिएक्शन में HCl भी लिख सकते हैं ना राइट हैंड साइड पे हाँ लिख सकते हो जरूरी नहीं है यहाँ पे हमें नॉट कंपलसरी ये इस तरीके का एग्जांपल है जिसमें कॉमन इलेक्ट्रोलाइट वर्क कर रहा है ठीक है लिखे सबने एग्जांपल्स यस सर अब थोड़ा उल्टा चलते हैं आपके सामने रिएक्शन है स्प्लिट देम इनटू टू हाफ्स एंड सी इफ यू कैन फिगर आउट व्हाट विल बी द काइंड ऑफ हाफ सेल दैट इट विल बी एंड देन राइट डाउन द नोटेशन फॉर इट यस सर
पहला वाला वो यस सर देना चाहिए वैसे क्वेश्चन में एक्वस एंड ऑल ये सब डिटेल, बट अगर नहीं है तो मान के चलना। पहला वाला आ गया ही सर, वो आ गए इनर्ट इलेक्ट्रोड मेंशन करना जरूरी है। क्या 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 सो इलेक्ट्रोड कैसे पता चला? इलेक्ट्रोड कैसे पता चला? H2 गैस है और H+ एक्वस आयन है तो गैस आयन हो गया। यस सर। कॉपर मेटल है और ये कॉपर 2+ आयन है तो ये मेटल मेटल आयन हो गया। यस सर। ये सब पीटी वाला इलेक्ट्रोड कैसे पता चलेगा? तो गैस आयन में तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाना ही पड़ता है ना। ओके सर, दैट इज अ कंपल्शन। You need that to conduct the electrons in and out of the half cell. ठीक है, अगला वाला ये आंसर आ रहा है। लाइक आयरन जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, +2 से +3 जा रहा है तो वो एनोड साइड पे रहने वाला है और ये दोनों ही एक्वस है। दैट मींस सॉल्यूशन के अंदर ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो इट्स लाइक द रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड। यस सर। इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड रहेंगे और ये एक्वस आयंस रहेंगे। देन Cl2 का रिडक्शन हो रहा है यानी कि वो कैथोड पे होगा और ये गैस और आयन है तो ये गैस आयन इलेक्ट्रोड होगा। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट वाला। चलो करो, ट्राई करो। ठीक है, इंटर कन्वर्जन जैसे मैंने बताया ना आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज गोइंग फॉरवर्ड जब आप क्वेश्चंस करोगे तो क्वेश्चंस की लैंग्वेज ये होगी। तो अनलेस यू आर क्वाइट फेमिलियर विद दिस तब आपको कंफर्ट आएगा कॉन्सेप्ट समझ के क्वेश्चन सॉल्व करने में, अदरवाइज इट विल बी लाइक कि आपको लैंग्वेज ही समझ नहीं आई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो आप कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करोगे। मेक श्योर दैट यू डबल प्रैक्टिस दिस। अगर अभी ऐसा हो रहा है दैट एक अटेम्प्ट में ही आपके आंसर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लाइक देन यू आर रियली गुड एट कैचिंग थिंग्स, काफी फास्ट कैचिंग पावर है आपकी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वुड बी स्ट्रगलिंग, कुछ ना कुछ कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही होगी, तो दैट्स ओके। वॉट यू नीड टू डू इज स्पेंड टाइम, रीडू ऑल दीज क्वेश्चंस, थिंक how to avoid these mistakes. Booklet में भी ऐसे questions मिलेंगे आपको FBS में और practice करने के लिए, वो भी try करना है। But there is no option to leave this week. You have to be very fast with this. Familiarity develop हो जानी चाहिए। ठीक है, third वाला कैसा रहेगा? Zinc मेटल है और ऑक्सीडाइज हो रहा है। यस सर।
और ये कौन सा सॉल्ट है उसका, एक्वस सॉल्ट, यानी कि ये मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड हो गया एनोड पर। यस सर। कैथोड पर क्या हो रहा है, यहाँ पर Ag का रिडक्शन हो रहा है, प्लस वन से जीरो जा रहा है, बट दिस इज अ मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। यस सर। तो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू गिव द रिप्रेजेंटेशन। सर इन दिस क्वेश्चन isn't it also possible ki salt bridge is not there and ZnCl2? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये ऑफ कोर्स नहीं है अगर आपने ये मिस्टेक कर दी हो तो। मेटल मेटल सॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड नहीं है सिल्वर का, मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड है। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन दिखा सकते हैं। फोर्थ वाला क्वेश्चन दिखाओ। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ सर। हाँ सर, बी वाले में हमने पीटी क्यों लिया, मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड लेना है, और जनरली हम लोग अमीर लोग हैं, हमारे पास खानदानी प्लैटिनम की खदान है सर, बट इज इट लाइक एफई है इसलिए, और एक्वस फेज में दोनों है इसलिए हमने लिया। मतलब रेडॉक्स इलेक्ट्रोड है ना ये, तो रेडॉक्स इलेक्ट्रोड में ये तो दोनों एक्वस है। यस सर। इस सॉल्यूशन के अंदर या बाहर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ तो चाहिए। हाँ यस सर। तो कोई प्लैटिनम का वायर या प्लैटिनम की इलेक्ट्रोड यूज कर रहा है। बट इट्स सर, थैंक यू। सर एक बार सी वाला वापस समझा सकते हैं? यस सर प्लीज। सी वाले का सॉल्यूशन देखना है। मतलब समझना है या सॉल्यूशन देखना था? समझना। सो रिएक्शन आपने ऑब्जर्व करा, अप्रोच जो है वो कुछ इस तरीके से है, दैट यू सी द रिएक्शन, then identify which species are undergoing redox, then you identify कि यहाँ पर zinc का oxidation हो रहा है, zinc solid से ZnCl2 aqueous में जा रहा है, तो ये तो metal है और ये metal का salt है, तो इससे आपको समझ में आ गया कि ये anode पर metal metal soluble salt electrode होगा। yes right, and then यहाँ पर आप ये नोटिस कर रहे हो AgCl Ag में जा रहा है। यस राइट, प्लस वन से जीरो। अब ये मेटल है और ये मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट है, तो यू विल हैव टू देन डू व्हाट द मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट का इलेक्ट्रोड है, इज मेटल कोटेड विद द इनसॉल्युबल सॉल्ट डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ द अनायन ऑफ द सॉल्ट। सो या Cl- तो स्पेक्टेटर लेना, तो वो क्यों मेंशन किया है? नहीं नहीं नहीं, Cl- इज नॉट द स्पेक्टेटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द रिएक्शन, इट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द कंपाउंड AgCl, मतलब इट इज नॉट अंडरगोइंग एनी रेडॉक्स phase, but it is something which is part of the reaction. Okay.
सर हमने सॉल्ट ब्रिज क्यों हटाया? एक बार आता हूं मैं तुम्हारे क्वेश्चन पर, ये वाला तुम देखोगे ना, इसका जो रिएक्शन है राइट, इट इज एक्चुअली द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. AgCl का जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता है बिटवीन Ag प्लस एंड Cl माइनस आयंस, है ना? यस सर, यस सर, यस सर, राइट. एंड साथ में फिर जो Ag प्लस आयन है दैट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन is what is the half cell reaction that is happening. Okay, AgCl solid plus electron giving Ag solid plus Cl minus aqueous. Okay. ऐसे solution में free Ag plus ion नहीं पड़ा हुआ है, जो भी Ag प्लस आयन है वो AgCl से ही आ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन. हाँ, अब तुमने क्या पूछा कि यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज क्यों है, बिकॉज लाइक नहीं भी रख सकते ना, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट क्यों नहीं है सेकंड वाले में, क्योंकि ये जो रिक्वायरमेंट है यहाँ राइट हैंड साइड की कि दिस शुड बी डिप्ड इन द अनायन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट, वो अनायन क्या है? Cl माइनस. यस सर. तो वो तो यहाँ ZnCl2 के पास भी अवेलेबल है. हाँ, yes, I got it. ठीक है. अब D वाला देखा, D वाला रिएक्शन ये है. आई होप इसमें आप redox species आइडेंटिफाई कर लिए हो, अगर नहीं करा है तो अब मैंने आपके सामने कर दिया है, नाउ यू कैन आंसर. Done, sir. Done? Yes, sir. ऐसा आ रहा है आंसर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. All right, then. नेक्स्ट टॉपिक देखें, सो लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो जो हाफ सेल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके पोटेंशियल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. तो बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से है, विद अ सिंपल एग्जाम्पल आई एम डिस्कसिंग से मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड. अब हमने नोटिस किया है दैट डिपेंडिंग अपॉन वॉट इट गेट्स कनेक्टेड विथ इट कैन बिहेव एज एनोड और कैथोड, राइट? इट कैन अंडरगो ऑक्सीडेशन और अंडरगो रिडक्शन. नाउ व्हेन दिस हैपेंस व्हाट
happens inside the half cell is there is a electrical double layer that is formed. How is that electrical double layer formed? So on the metal and in the solution, you will have opposite charges. Say for example, agar anode ki tarah behave kar raha hai electrode, to electrode par negative charge rahega and solution mein positive ions rahega surrounding those negative charge. So this is an electrical double layer. And because of this double layer, there is a potential difference that is created. Right? Just like capacitors, padhoge na apne opposite charge yes, sir. At some small distance from each other. So usi tarike se this is like a cylindrical capacitor, assuming that the rod is cylinder only. And similarly on the cathode side also, you can have such electrical double layer formation. Now this electrical double layer results in a potential difference. That is what is we are calling as the electrode potential. ठीक है पहले आप इतना draw कर लो फिर मैं इसके नीचे के कुछ bullet points लिखवाता हूँ फटाफट इसको close कर दो सर एक second के ऊपर कर सकते हो नहीं है बस ये electrode potential लिखा नहीं सो ऊपर थोड़ा ये example हो गया सर सर वो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर के ऊपर क्या लिखा है हेल्महोल्ट्ज़ लाइक इट इज कॉल्ड हेल्महोल्ट्ज़ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नेम ऑफ द साइंटिस्ट
डन सर। डन ठीक है। अब इसके नीचे दो तीन पॉइंट्स नोट करो। सबसे पहला तो जैसे मैंने बोला दिस डबल लेयर ऑफ ऑपोजिट चार्ज रिजल्ट्स इन अ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड और द हाफ सेल टू गिव और टेक इलेक्ट्रॉन्स। नाउ इसका रिप्रेजेंटेशन इज समथिंग दैट यू शुड बी क्वाइट फेमिलियर विद। इनकेस we want to write the oxidation potential of the electrode, so we write E subscript mein oxidation, or alternatively we represent it in the following manner. E subscript mein jaise cell ke representation mein hum log likhte the na ki kis state se kis state mein ja raha hai, to yahan par metal M se 0 se plus 1 mein ja raha hai, so you write M/M+। Or if you would want to represent the reduction potential, you can very well do that. You write capital E subscript mein reduction or capital E subscript mein M+M because you want to represent reduction potential. Okay. Now, isme notice karna. चलो इतना लिखो फिर मैं अगला पॉइंट बताता हूं, पहले इतना क्लोज कर लो। हाँ लिखा सबने। इसको आपने कैपेसिटर से कैसे रिलेट किया था? इससे क्या रिलेट किया था? कैपेसिटर से कैसे रिलेट किया था? नहीं, आई एम नॉट एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड। कैपेसिटर से कैसे रिलेट किया था इसको? ये तो ये मैंने बताया ना, ये वो डबल लेयर है। कैपेसिटर भी तो ऐसे होता है ना, एक
plate opposite positive charge, एक plate negative charge at some distance from each other. Oh yes, got it. Now, notice करना अगर standard conditions में है, you remember thermodynamically what standard conditions meant? सॉलिड लिक्विड है तो प्योर है, गैस है, वन बार पार्शियल प्रेशर, डिसॉल्व्ड स्पीशीज है तो एट वन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? यस सर. तो उस केस में ऐसे नॉट का सिंबल लगा देते हैं ऊपर, एंड वी कॉल देम एज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ये भी लिख लो. So, वो प्योर है ना? यस. लिखा? वेट सर. ठीक है, अब इसके नीचे इम्पोर्टेंट कुछ नोट्स हैं, वो एक एक करके देखो. पहला नोट कुछ इस तरीके से है, ऑब्जर्व करना. डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैव डिफरेंट टेंडेंसी टू गिव और टेक इलेक्ट्रॉन्स, राइट? सो देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स वुड बी डिफरेंट. हाँ, तो पहला नोट क्या लिखा अपन ने? डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स हैव डिफरेंट टेंडेंसी एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस, लाइक किसी का एसआरपी किसी दूसरे के एसआरपी से अलग होगा, या किसी का एसओपी किसी और के एसओपी से अलग होगा, राइट? एसआरपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, एंड उसका रिप्रेजेंटेशन भी देखना है यहाँ पर. जेड एन टू प्लस से जेड एन लिखा है मैंने, क्यों? क्योंकि मैं रिडक्शन की बात कर रहा हूँ. Yes, sir. अभी कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक मेटल डिप्ड इन जिंक आयन, दैट इज द पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड आई एम टॉकिंग अबाउट. तो इन दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड अंडर गिवन कंडीशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एस आर पी एंड एस ओ पी विल बी सेम, बट द साइन विल बी ऑपोजिट. ठीक है, बिकॉज आपने नोटिस किया होगा रिएक्शन उल्टा हो जाता है. अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोड को एज कैथोड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसका रिएक्शन लिख रहा हूँ, या फिर एज एनोड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और उसका रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो रिएक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाते हैं. यस सर. तो ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है
मैग्नीट्यूड सेम रहेगा इफ आई एम राइटिंग किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल, जस्ट द साइन विल बी ऑपोजिट, राइट। जैसे यहाँ पे आपने रिप्रेजेंटेशन देखा, ये ऑक्सीडेशन को मैं कैसे लिख रहा हूँ, एम से एम प्लस, और रिडक्शन को एम प्लस से एम, सेम मैग्नीट्यूड है बट ऑपोजिट साइन, ठीक है। इसको भी नोटिस कर लो, एंड देन लास्ट पॉइंट भी नोटिस कर लेना, लास्ट पॉइंट इज समथिंग इन दिस वे, एक बार ये नोटिस कर लो फिर लिख लेना, पूरा लिख लेना एक साथ। लास्ट पॉइंट इज दैट दिस ई या ई नॉट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द सिस्टम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टेकन प्योर जिंक एंड वन मोलर सोल्यूशन, अब वो बड़ा साइज लो या छोटा साइज लो उसका उससे फर्क नहीं पड़ता, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विल बी द सेम। ठीक है, क्लियर है ये? ऑलराइट, लिखा सबने? सर 20 सेकंड्स प्लीज। हेलो
All right. Next देखना cell potential. Right. So हम लोगों ने electrode potential के बारे में notice करा. अब दो electrodes को अगर हम attach करके combine करके पूरा full cell बनाएंगे तो उस cell potential को in terms of electrode potential कैसे लिखा जाता है वो आप नोटिस करना. पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं. सेल पोटेंशियल का सिंपल सा डेफिनेशन है, द ड्राइविंग फोर्स दैट पुशेस द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स अवे फ्रॉम एनोड एंड पुल्स देम टुवर्ड्स द कैथोड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल या सेल वोल्टेज. ठीक है, एक स्लाइट डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, लाइक ईएमएफ और सेल पोटेंशियल के बीच में एक छोटा सा वेरिएशन ये होता है दैट ईएमएफ इज समथिंग व्हिच इज लाइक द मैक्सिमम सेल पोटेंशियल लाइक व्हेन द सेल इज नॉट ऑपरेटिंग बिकॉज़ वंस द सेल स्टार्ट्स ऑपरेटिंग द सेल पोटेंशियल डिक्रीजेस विद टाइम विद यूजेज. ठीक है, बट दिस इज द बैकग्राउंड बेसिक डेफिनेशन. ठीक है, यस सर. नाउ एक सेल पोटेंशियल को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखा जाता है. ठीक है, तो यहां पर आपको समझ में आ जाएगा. नाउ डिपेंडिंग अपॉन व्हाट रिप्रेजेंटेशन यू वांट टू यूज, पहला रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज लाइक द कोर डेफिनेशन, ये जो कोर डेफिनेशन हमने देखा, driving force that pushes the electrons away from anode and pulls them towards the cathode, right? So that core definition relates to oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode, right? Anode wants to give the electron and cathode wants to take the electron. So this is like the core definition. E cell can be written as E naught oxidation of anode plus E naught reduction of cathode. ठीक है, अब इसके कुछ versions भी रहेंगे. ठीक है, आपको इसको अगर नहीं भी focus करना है तो इसको हटा दीजिए. जबरदस्ती की English आ गई है, आप बस इसके ऊपर ही focus करो. ठीक है, जस्ट फोकस ऑन दिस मच. ई नॉट सेल इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, इस तरीके से लिखा जाएगा. नाउ समटाइम्स, इनफैक्ट मोस्ट अदर टाइम्स, व्हेन डेटा इज प्रोवाइडेड टू यू डिफरेंट डिफरेंट हाफ सेल्स का, तो टिपिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का डेटा मिलता है. ठीक है, तो व्हाट यू डू इज देन राइट योर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल. तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल तो एज इट इज है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड. और जो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था उसको मैं लिख सकता हूं माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड. ऊपर देखा था हमने मैग्नीट्यूड सेम, साइन डिफरेंट होता है किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का. अगर हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल लिखे तो राइट, सो यू कैन राइट दैट ई नॉट सेल एज ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड. नाउ दिस विल बी द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्मूला. ठीक है, दिस इज समथिंग दैट विल बी यूजिंग मोर ऑफन देन एनी अदर बिकॉज टिपिकली आपको डेटा एसआरपी का ही मिलेगा. ठीक है, मान लो आपको एसओपी का डेटा मिल जाता है तो भी आप लिख सकते हो. एसओपी का क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड एज इट इज रहने देंगे और जो रिडक्शन पोटेंशियल था कैथोड का उसको माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड बोल देंगे. राइट, सो यू कैन राइट ई नॉट सेल इज ई नॉट ऑक्सीडेशन like SOP anode minus SOP cathode. But this is again, as I said, less used. The more
कॉमन वर्जन इज द मिडिल वन बिकॉज टिपिकली आपको डेटा जो है वो टैब्यूलेटेड एसआरपी के फॉर्म में मिलता है. ठीक है, ये समझ में आया हाउ सेल पोटेंशियल इज रिटन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स. इसको कॉपी कर लो और फिर बस एक क्वेश्चन कर लेना ताकि इस चीज का एप्लीकेशन आपको क्लियरली समझ में आ जाए. फटाफट फटाफट कॉपी करो इसको. सर आप हमें रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन भेज सकते हैं क्या? एफपीओ में है ना? ओके सर. एफबीओ में एफबीएस में तो है, एफबीओ में एक बार देखना पड़ेगा. सर आप बुकलेट भेज सकते हैं क्या पीडीएफ? बुकलेट ये तो है बस. नहीं सर बुकलेट नहीं है. फीस नहीं जमा कराई क्या तुमने? यस सर बाकी था. अच्छा तभी गड़बड़ है क्योंकि मुझे ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि डोंट शेयर बुकलेट्स विद स्टूडेंट्स बिकॉज़ दे हैव नॉट डिपॉजिटेड फीस क्योंकि मेरी जॉब खतरे में डाल दोगे. All right. लिखा आप लोगों ने ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. क्या आंसर करेक्ट है, क्या आंसर सही है यहाँ पे. वन और मोर देन वन चॉइस भी करेक्ट हो सकते हैं. So can you scroll up a bit? Done, sir. Thank you. Yeah. इसका आंसर बता दो. क्या रहेगा आंसर?
इसमें दिस वन इज रॉन्ग, ये सी ऑप्शन तो कोर डेफिनेशन है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, दिस इज लाइक द कोर डेफिनेशन है ना. यस, दिस वाज इन टर्म्स ऑफ एसआरपी, बी ऑप्शन एसआरपी कैथोड माइनस एसआरपी एनोड, राइट. ये एज इट इज रहने दिया और जो एनोड का एसओपी था उसको माइनस एसआरपी एनोड लिख दिया, ठीक है. And then the last one is also correct, right? SOP anode को तो as it is रहने दिया और SRP cathode को minus SOP cathode लिख दिया, right? In terms of SOP. ठीक है, समझ में आया ये? Yes sir. ये भी मैंने क्या है, मैंने help करने के लिए लिख दिया. Actually में तो question ये था. So, आपको पढ़ के आइडेंटिफाई करना है कि क्या एसआरपी लिखा है क्या एसओपी लिखा है. यस सर. ठीक है, बट आई लाइक हेल्प्ड इन दिस क्वेश्चन रिटेनिंग व्हाट वाज देयर ऑन द राइट हैंड साइड. ठीक है, अदरवाइज दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू राइट. ठीक है, समझ में आया? यस सर. चलो ऑल राइट, आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है, नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं. किसी को कुछ पूछना है, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नो सर. So, all right then. Thank you guys. Take care. Bye bye. अच्छा हाँ हाँ, तुमको वॉल्यूमेट्रिक के डाउट्स पूछने थे ना, भूल ही गया मैं तो. तुम क्लास के स्टार्टिंग में क्यों नहीं याद दिलाते? रात को 9 बजे याद दिला रहे हो. कितने डाउट है? पांच छह डाउट में बहुत टाइम लग जाएगा. अच्छा, 5-6 डाउट. चल फटाफट बताओ. नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं दिशा. नेक्स्ट क्लास में स्टार्टिंग में कर लेंगे. ठीक है, चलो ऑल राइट देन.